दिस इज़ ज़ुबैर हेयर, मैं हूँ आपका ट्यूटर और आपका स्वागत करता हूँ नॉलेज क्लासेस में। तो इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ ऑफ हेलेन केलर। अब इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। चाइल्ड रिफ्यूज टू प्ले विद हर, चाइल्ड यानी कि बच्चों ने खेलना बंद कर दिया हेलेन के साथ, एंड बिकेम एन इल टेम्पर्ड, जिससे हेलेन क्या हो गई, बहुत ही दुखी हो गई। माइजरेबल एंड लोनली चाइल्ड, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और वो अकेला अकेला फील करने लगी। विद अ हैवी हर्ट, भरे हुए मन से यानी कि रोते हुए मन से उसकी मदर ने कहा, हेलेन्स बिहेवियर इज़ गेटिंग वर्स, हेलेन का जो बिहेवियर है बहुत बुरा होता जा रहा है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। द सॉफ्ट हार्टेड फादर वुड सिंपली रिप्लाई, और उसके भरे हुए मन से पापा ने बोला कि वी कैन नॉट पनिश अ चाइल्ड, हम उन बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकते जो हेलेन केलर को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो क्या करना चाह रही है, वो क्या करना चाहती है। तो जब बच्चे उसे नहीं समझ पा रहे तो ये बच्चों की गलती नहीं है, तो इसलिए हम बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसा उसके पापा ने रिप्लाई दिया। द केलर नाउ नीडिड प्रोफेशनल गाइडेंस, अब कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत थी हेलेन केलर को। तो अब उसके फादर जो थे और मम्मी थी वो कहाँ से मिली, वो डॉक्टर माइकल से मिली, जिनका नाम था डॉक्टर माइकल एनागॉस। वो क्या थे, वो पर्किन इंस्टीट्यूट के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो कि अंधे लोगों को देखा करते थे। माइकल एनागॉस कंसीडर्ड हेलेन केस, अब माइकल एनागॉस ने हेलेन के केस को स्टडी करा एंड इमीडिएटली रिकमेंडेड अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू बी हेलेन्स टीचर। अब उनकी एक स्टूडेंट थी जो कि अब टीचर बन चुकी थी, अब उन्हें लगा कि ये जो केस है ये हेलेन को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएंगी, यानी कि जो उनकी कभी स्टूडेंट रही थी उन्होंने वो केस अपनी स्टूडेंट को रेकमेंड कर दिया। शी वॉज एन ए सुलिवन, अब जो एन ए सुलिवन है वो बहुत बड़ी टीचर बन चुकी हैं। द लेडी हु चेंज्ड हेलेन्स लाइफ, और एन ए सुलिवन जो थी वो एक इतनी अच्छी टीचर थी कि उन्होंने पूरी की पूरी हेलेन्स की लाइफ को बदल दिया। एन ए हैड पुअर विज़न, एन ए को पुअर विज़न था, यानी कि एन ए जो थी वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, बट शी वॉज कीन टू वर्क, लेकिन वो काम करना चाहती थी एंड अर्न अ लिविंग ऑन हर ओन, और अपने आप को प्रूफ करना चाहती थी कि मैं भी कुछ हूँ। सो शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ बींग हेलेन्स टीचर, और उन्होंने हेलेन की टीचर को बनना स्वीकार किया, यानी कि वो हेलेन की टीचर बन गई। ऑन 3 मार्च 1887, लगभग 3 मार्च का दिन था, 1887 का टाइम था, एन ए अराइव्ड एट द हाउस इन टस्कोम्बिया, एन ए सुलिवन यानी कि जो टीचर थी हेलेन की वो टस्कोम्बिया पहुंच चुकी थी, एंड मेट हेलेन्स केलर, और हेलेन केलर को वो मिली। एन ए स्टार्टेड टीचिंग हेलेन टू फिंगर स्पेल, और एन ए ने सबसे पहले आते ही हेलेन को स्पेल सिखाया अपनी फिंगर की हेल्प से, उसकी हथेली पकड़ी यानी उसका हाथ पकड़ा और उसकी फिंगर पे और उसकी अपनी फिंगर से उसकी हथेली पर सबसे पहले उसने लिखना कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया जिसको वो फील करने लगी। शी टॉट हर द लैंग्वेज ऑफ टच, उस लैंग्वेज को हम कह सकते थे कि टच वाली लैंग्वेज, यानी कि उसके हाथ से जो भी वो लिखती तो उसको वो फील होता, किसको फील हो रहा था, हेलेन को, और उसको फील होने की वजह से वो चीज़ें धीरे धीरे सीखने लगी। एन ए स्पेल्ट आउट द वर्ड डॉल, सबसे पहले जो वर्ड था हेलेन ने वो क्या सीखा, डॉल सीखा, और वो किसने सिखाया था उसको, एन ए सुलिवन ने, यानी कि जो डॉक्टर आई थी उसकी लाइफ में, जो उसकी दुनिया बदल रही थी, और तो उसने सबसे पहला वर्ड क्या सीखा, उसने सबसे पहला वर्ड डॉल सीखा। वर्ड क्या सीखा, एन ए ने सबसे पहला वर्ड सीखा डॉल, जो कि उसकी टीचर ने सिखाया था। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट हेलेन्स लर्न टू स्पेल, वो पहला वर्ड था जो हेलेन ने स्पेल से सीखा, यानी कि उसके हाथ पर उसने बार बार लिखा उसकी डॉक्टर ने और उसको सिखा दिया। विद ग्रेट पेशेंस एंड डेडिकेशन, और उसने भी उसको बहुत डेडिकेशन के साथ सीखा, बड़ी आराम से सीखा। एन ए कॉन्टिन्यूड विद हर टीचिंग, और एन ए सुलिवन यानी कि जो डॉक्टर थी हेलेन की, वो लगातार अपने आप को इम्प्रूव करती रही और हेलेन को सिखाती रही। वेन हेलेन पैटर्ड द कैट, और उसके बाद उसने दूसरा वर्ड कैट सीखा, और तीसरा वर्ड जब उसने मिल्क पिया, एंड वेन शी ड्रैंक मिल्क, और जब उसने तीसरा वर्ड क्या सीखा, मिल्क, क्योंकि वो जो चीज़ पहले क्या करती थी, यानी कि उसको जैसे डॉल सिखाना है तो डॉल को उसके हाथ में दिया करती थी, अब उसको कैट वर्ड सिखाना है तो कैट को उसके हाथ में देती और वो कैट को फील करती ये कैट है, और उसके बाद उसके वर्ड्स को सिखाने की कोशिश करती। शी फेल्ट लेटर मिल्क, और जैसे उसने उसको दूध दिया तो उसने सबसे फिर उसके बाद उसको दूध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्क, और उसकी पाम यानी कि हथेली पर मिल्क कई बार लिखा, अपनी फिंगर से लिखने की कोशिश करी और उसको फील कराया कि मैं मिल्क लिख रही हूँ, और इस स्टडी से वो तीसरा वर्ड मिल्क भी सीख गई।
दिस हेल्प हेलन टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस थिंग्स। इसने इस चीज़ों की हेल्प से हेलन ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली एंड शी फाउंड अ नॉवल वे टू कम्युनिकेट। और एक वो नया एक वे था कम्युनिकेट करने का विद अदर, और वो एक नया वे जान गई थी कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगी लोगों के साथ। यानी कि उसके टीचर ने एक नया तरीका सिखाया था उसको, फिंगरिंग स्पेलिंग, यानी कि फिंगर से उसके हाथ पर लिखती, और उसने बताया कि इस तरीके से हम लोगों से कम्युनिकेट, लोगों से बात भी कर सकते हैं। एने हैड टू वर्क ऑन हेलेंस बिहेवियर। अब एने ने हेलेन के बिहेवियर पे भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हेलेन का बिहेवियर बहुत बेकार हो चुका था। वो हमेशा परेशान रहती थी। हेलेन वॉज रूड टू पीपल, और हेलेन लोगों से बड़ी नाराज़गी के साथ बात किया करती थी। रूड का मतलब नाराज़ होकर बात करना। मोर ओवर हर इम्पोलाइट टेबल मैनर, इसके अतिरिक्त यानी कि इससे भी ज़्यादा, मोर ओवर का मतलब इससे भी ज़्यादा, उसके टीचर ने उसे क्या सिखाया, इम्पोलाइट होना सिखाया। उन्होंने कहा कि आप ज़रा इम्पोलाइट हो जाओ, यानी कि नर्म तरीके से लोगों से बात किया करें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। उसने एक बदलाव लाने की कोशिश करी और कहा कि आप लोगों से अच्छे से बात किया करो। एंड हर सोशल बिहेवियर, और उसने उसके सामाजिक बिहेवियर में भी बहुत चीज़ें चेंज कराई। नीडिड अटेंशन, जिससे लोग उसकी तरफ अब आकर्षित होने लगे थे। एने इंसिस्टेड, यानी कि जो एने कौन है आपको अभी इतनी बार बता चुका हूँ। एने कौन है, एक डॉक्टर है, यानी एक टीचर है, किसकी, हेलेन केलर की, और वो हेलेन केलर को टीच कर रही है। हेलेन शुड ड्रेस हर सेल्फ एंड ब्रश हर, और उन्होंने एलेन को अपने आप ड्रेस पहनना, ब्रश करना भी सिखाया। ओके बेटा।